मिल जाता है, कोई चावल आटा मिल जाता है, कम्बल कोई दे जाता है, उड़ के अपन टाइम पास कर रहे हैं इधर। कपड़ा बाहर ताप ली हूँ, कोई दे दे तो रोटी खा ली, उन्हें भूखी सोता हूँ। कपड़ा नहीं है, शेर सोल फूल है जी को उठ के पड़ जाती है। रियासत सियासत के बीच एक तस्वीर ऐसी भी, बाबा कड़ाके की ठंड हो रही है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? कर रहे गुजर बसर ये कर रहे साहब, मिल जाता है कोई चावल आटा मिल जाता है, कम्बल कोई दे जाता है, उड़ के अपन टाइम पास कर रहे हैं इधर। और कुछ रहने के लिए कोई जगह है नहीं है, यहाँ आते हैं कोई कमेटी वाला आते हैं भगा देते हैं, सामान को उठा के ले जाते हैं, ऐसे बस रहने की परेशानी है, क्या करें सर। यहाँ पे सरकार ने रैन बसेरे का इंतजाम कराया है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? अब मिल जाएगा तो चल जाएंगे उधर भी। जगह जगह तो रैन बसेरे बने हुए हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आगे भी चल के कई सारे रैन बसेरे हैं, अभी हम होके आए वहाँ पे। नहीं नहीं वो तो कोई उधर रहने नहीं देता, हम अपने अपनी जगह पे रहते हैं साहब, क्या करें, हम शुरू से इधर ही आते हैं, यहाँ ही टाइम पास करते हैं अपना। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते? यहाँ रहते हुए हो गया कम से कम, नहीं ना 10-12 साल हो गए इससे कम। 10-12 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है? कुछ सुनवाई नहीं करता है, आते हैं पुलिस वाले आते हैं डंडा मार के भगा देते हैं, फिर आ जाते हैं इधर ही, कमेटी वाले आते हैं तो सामान उठा के ले जाते हैं। अच्छा, रहते कहाँ है? फुटपाथ पे कहाँ रह रहे हैं? अभी इधर ही रह रहे हैं, ये फुटपाथ पे रहते हैं, उधर रहते हैं, यहाँ रहते हैं, बस यही आपकी पटरी पे जिंदगी गुजर रही है। बस ये पटरी पे जिंदगी गुजर रही है। ठंड पड़ रही है, पड़ी हूँ, यार कपड़ा बाहर ताप ली हूँ, कोई दे दे तो रोटी खा ली, उन्हें भूखी सोता हूँ बस। ठंड में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। मिल जाए तो खा लूँ, नहीं मिल जाए तो सोता हूँ। दादी आप कितने समय से यहाँ रह रही हैं? कम से कम 20 साल हो गई बहन जी। 20 साल हो गए इस त्रिपाल में रात गुजारती हैं? इसमें तो रात काट देते हैं, कोई कपड़ा नहीं है, शेर सोल फूल है जी को उठ के पड़ जाती है। ठंडी नहीं लगती है? इतनी ठंडी में आप सोती हैं, सड़क पे सोती हैं? अरे मत बहन जी, कहीं करा तब कहाँ से लिया। सरकार इतना आपके लिए, आप लोगों के लिए काम कर रही है, रैन बसेरा बनाया है जगह जगह। बहन जी पुलिस आती है तो डंडा मार कर दौड़ा देती है, कमेटी आती है तो कोई हमारा फाचा पराना कपड़ा जिनको भर कर ले जाती है, कहीं कर टाइम पास कर रहा बेटा। अच्छा, अगर आपको कोई रैन बसेरे में लेके जाएगा तो आप जाएंगी वहाँ? हाँ, रैन बसेरे में जहाँ सरकार ने बना रखा है आप लोगों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, वहाँ जाएंगी फिर? हाँ चले जाएंगे, सभी लोग भाग जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, अकेला तो खा जाएंगे। अकेले नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे? हाँ, साथ में चले जाएंगे तो चले जाएंगे, साथ में जाएगा तो चले जाएंगे। अच्छा, खर्चा कैसे चलाती हैं? अब खर्चा तो दीदी अब ऐसा कोई मांग कर लिया आता है, कोई 150 रुपये हो जाते तो खर्चा चल जाता है, कोई दे जाता है लॉकडाउन में तो खा लेते हैं, नहीं दे जाए तो सो जाते भूखे। रैन बसेरे जगह जगह बने हैं, उसकी सुविधा जो आप तक पहुँचाई जाती है वो क्यों नहीं लेते? नहीं हमको तो कभी नहीं पहुँचा। रैन बसेरे तो जगह जगह बने हैं, वहाँ क्यों जाना पसंद नहीं करते आप? रैन बसेरा कहाँ बना हुआ, कहाँ जाएंगे? यहाँ रैन बसेरे तो बहुत सारे बने हुए हैं। नहीं हमने तो कभी नहीं देखा है, कभी ना कोई ने बोला है, होता तो हम भी बच्चे को लेकर पड़े रहते ठंडी में, यहाँ क्यों पड़ते रोड। सर्द रात की इस ठिठुरन के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी जो दिल को सुकून देने वाली थी, भले ही इनका मकसद कुछ भी हो, लेकिन इनकी इस पहल से कुछ मजलूमों को तन ढकने के लिए कुछ तो मिला। हम रियलिटी चेक पे निकले थे रैन बसेरों की, और इसी बीच कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इन गरीबों को कंबल बांटे हैं, हम बात करेंगे। सर नाम क्या है आपका? मैं अनूप शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय से। भारतीय जनता पार्टी हमारे अध्यक्ष जी हैं लोकेश जी, शारदा जी, हम सब मिलकर के आज हमारे विधायक जी और सांसद जी महेश शर्मा जी व पंकज सिंह जी के द्वारा कम लगभग, और जो हमारे मनोज शर्मा जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा लगभग 5,000 कंबल पूरे शहर में हम सबकी टोलियां ऐसी जगह जगह जाकर के हम लोग बांट रहे हैं। सर अभी तक ये आपकी मुहिम जो है वो बहुत ही अच्छी है, गरीबों तक ठंड में, इस कड़कती ठंड में आप कंबल वितरित कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी तक कितने कंबल बांट चुके हैं और कब तक ये मुहिम चलेगी? देखिए हमारा एक हफ्ते के करीब ये चलाएंगे हम इसको, तो डेली हमने टारगेट लिया है कि 100-150 कंबल हम डेली रात को इसी तरीके से निकल के अपने एरिया में बांटेंगे। बस आपका एक यही एरिया है कि इसी एरिया में भी और भी एरिया में जाएंगे गरीबों को बांटेंगे? पूरे नोएडा को हमने 8 मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन तौर पे बांटा हुआ है,
तो 8 मंडलों में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं जहाँ 200-250 कंबल डेली हमने टारगेट लिया कि हम रोज़ शाम को इसी तरीके से 8 से 11 बजे 12 बजे तक हम निकलेंगे जो सड़कों किनारे। दरअसल होता है कि कंबल बांटना बड़ा आसान है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो ज़रूरतमंद है उस तक हमारा ये पहुँचे। इन्हीं गरीबों से हमने बात की और योजनाएँ की बहुत बात होती है, सरकारी योजनाएँ बहुत सारी गरीबों के लिए बनाई, लेकिन इन तक वो योजनाएँ नहीं पहुँचती हैं, इनको ये जागरूक ही नहीं है कि कैसे योजना का लाभ उठाएंगे। नहीं देखिए, इस पे भी आप शायद माने या ना माने, लेकिन हमें इस बात पे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने पिछले कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, मार्च से लेकर 2 महीने हमने बड़ा अपनी जान जोखिम पर डाल के, खैर हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहेंगे, लेकिन हाँ हमने हमारे एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमने तकरीबन 58 दिन तक हमने रसोई चलाई थी। रही बात योजनाओं की, योजनाओं के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है चाहे किसी के राशन कार्ड की दिक्कत आ रही हो, राशन ना मिल रहा हो, कुछ भी समस्या हो, तो हम अपने छोटे से छोटा कार्यकर्ता इसमें हमारा प्रयास करता है कि उसको वो सर्विस, वो सेवा ज़रूर मिले जो हमारी सरकार उसको दे रही है। अच्छा, आप मुहिम चला के कंबल बांट लेंगे, राशन वितरित कर लेंगे, लेकिन इससे इनके दिन, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते तक ये ज़िंदगी अपनी बिताएंगे, उसके आगे क्या? क्योंकि योजनाएँ जो हैं वो केवल अभी तक कागज़ों पर हैं, इन तक नहीं पहुँची हैं। आप अभी मैंने बात की इनसे, इन्होंने बताया मुझे पता ही नहीं है कि ऐसी योजनाएँ भी हैं, कैसे लाभ मिलेगा। देखिए वो एक कमी है, जैसा कि आप भी जानते हो कि सिस्टम हमारा थोड़ा सा पुराने तरीके से चल रहा है और जो हम मोदी जी या जो हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है, योगी जी की जो भी योजनाएं हैं वो हम मानते हैं उसमें ढिलाई हो रही है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हमारा हर कार्यकर्ता यही कोशिश करता है कि हम लोगों तक इसकी जो भी हमारी योजना है उसको पहुँचाएँ। योजना सिंगल और मैं बेटी बचाओ की संयोजिका भी रही हूँ, उस नाते मैंने जितनी भी हमारी योजनाएँ आई हैं हमने 99% अपनी तरफ से कोशिश करी जाए। सुमंगला आई, सुकन्या आई, जनधन वाली आई, ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली लोगों के खाते खुलवाए, लड़कियों को स्कूल में शिक्षा है, लड़कियों के लिए स्कूल विकास जो भी है, मतलब उनको काम सिखाना जैसा भी है, हमने बहुत मतलब रूट तक जाने की कोशिश की है। अच्छा मैम, जिनको इन योजनाओं के बारे में नहीं पता है वो पहले कहाँ जाएँ, कैसे अप्लाई करें इन योजनाओं के लिए? उन योजनाओं के लिए देखिए हम जगह जगह कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप हम बार बार, मतलब जैसे भी अभी कोरोना काल था तो हमने अपने सारे यूज़ में बंद कर दिया था, लेकिन अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम कैंप लगाते हैं, महिलाओं के लिए हैं, बाल विकास के लिए हैं, और उसमें हमारा वन स्टॉप सेंटर चलता है जो हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके, उसमें जो भी महिलाओं की समस्याएँ होती हैं सब उसमें सॉर्ट आउट होती है, हम अवेयरनेस कैंप लगा के ये सब करते हैं। मैम अभी जैसे यहाँ पे फुटपाथ पे है ये मिली थी यहाँ पे, इनको भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, कि इनको योजना के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसी योजना भी है। नहीं नहीं, हम लोग बल्कि यहीं लगाते हैं, अट्टा में ही लगाते हैं, यहाँ पर हमारा 27वें ऑफिस भी है और इनको रहते हुए भी यहाँ 20 साल के आसपास हो रहा है और यहाँ पे इनके पास ना रहने के लिए घर है, आवास विकास योजना की बात होती है लेकिन इनके पास रहने के लिए ना घर है, वो दादी वहाँ पे बैठी थी, 35 साल हो गया उनको रहते हुए लेकिन ना घर है ना कुछ है। यहाँ पे आते हैं पुलिस वाले, इन लोगों का कहना है कि आएंगे और भगा देंगे। मैम कुछ इनका ना आईडी वगैरह की भी कमी होती है, हम लोग ये भी तो देखते हैं कि इनकी आईडी कहाँ की है, आधार कार्ड कहीं का है, वोटर आईडी कार्ड कहीं का है, पूरे पेपर भी तो हमको बनवाने पड़ते हैं, वो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है कि इनके आधार कार्ड कहीं का होता है ना, उस कुछ फेक आधार कार्ड हम वो भी चेक करते हैं कि फेक आधार कार्ड ना हो किसी का भी, अगर आधार कार्ड में कुछ कमी है तो हम उसको भी ठीक करवाने का काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये देखा जाता है किसी भी जो मतलब उस योजना के लिए, उस योजना के दायरे में नहीं आता तो हम उसके लिए नहीं करते फिर। अच्छा, जो प्रॉपर देखिए जैसे ये आधार कार्ड दिखा रहे हैं कि ये यही के है, गांव का है ये, तो उसको यहाँ नहीं मिल सकता, जो आपका हमारी जो मकान जो मोदी जी का घर वाली योजना है वो जहाँ उनका आधार कार्ड है वो वहीं अवेलेबल होता है। अच्छा मैम, जो बाहर से कहीं गांव से देहात से आते हैं दिल्ली में कमाने के लिए, उनके लिए उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करती है? उनके लिए सर्दियों में शेल्टर होम की व्यवस्था की हुई है, अभी हम जो कंबल वाला काम कर रहे हैं ये शेल्टर होम के अलावा है। शेल्टर होम की आपने बात की, अभी हम जल्दी ही आगे शेल्टर होम से होके आए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है ना खाने की व्यवस्था है। चलिए आप बता रहे हैं, हम लोग अध्यक्ष जी के साथ में हम जाएंगे, हम लोग देख लेते हैं उसको, हम लोग बिल्कुल रूट टू रूट काम करते हैं हम। अब आपने देखा, बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने हमारे को ये बताया, हम लोग उसको देख लेते हैं, जो भी वहाँ परेशानी होगी हम बिल्कुल 100% दूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ मैम जो आपने कहा है वो आप करके भी दिखाएंगी।
सुरेश, महेश, अली अब्बास जैसे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए गांव से शहर के लिए पलायन करते हैं, दिन में मजदूरी और रात में दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर गुजारते हैं और कड़ाके की ठंड में रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। ये गरीब जरूर हैं, लेकिन इनके चेहरों पर मुस्कान बरकरार है।